सो हेलो गाइस, मानु डिजाइन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले व्यू के वाई 71 में आप जो है एप्लीकेशन को क्लोन कैसे कर सकते हैं, लाइक डुप्लीकेट को एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं गाइस। तो चलो आज की वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। इसके लिए हम कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड नहीं करेंगे, फोन के सेटिंग से ही हम आपको बताएंगे कि आप क्लोन ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसे करने के लिए गाइस आपको चलो फोन के सेटिंग को ओपन करना है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा डिवाइस है गाइस और इसके अंदर हम जो है फोन सेटिंग को ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पर फोन सेटिंग हमारा है ओपन कर लेते हैं। और गाइस जो सेटिंग्स आपको हमारे फोन में मिल रही है व्यू के वाई 53 है, एंड आपको भी सेम सेटिंग व्यू के वाई 71 में भी मिल जाएंगी, एंड थोड़ा सा डिफरेंट होगा अगर तो होगा, बट सेम चीजें ही मिलेंगी आपको देखने को। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना, एक ऑप्शन मिलेगा ऐप क्लोन का। अगर इस तरह से सेटिंग के अंदर नहीं मिलता तो आपको यहाँ तीन चार सेटिंग्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा ऐप क्लोन का ऑप्शन। आपको सिंपली ऐप क्लोन ऑप्शन को कहीं भी मिले उसे ढूंढ लेना एंड उसे सिंपली ओपन कर लेना। तो जैसे ओपन करते हैं गाइस, यहां से तो हमें ऐप क्लोन का ऑप्शन मिल गया, जो यहां पर ऑफ एंड ऑन का ऑप्शन मिल रहा है। एंड गाइस ऑन ऑफ का ऑप्शन तो मिल रहा है, बट यहां से हम इसे यूज नहीं कर सकते अभी। या इसका मतलब क्या होता है, हम इसको अगर ऑफ कर देते हैं तो कोई भी हमारा एप्लीकेशन को क्लोन नहीं बन पाएगा। अगर हम इसको ऑन करके रखते हैं तो यहां से हम एप्लीकेशन को क्लोन कर सकते हैं जाके, जहां से हम इस एप्लीकेशन को क्लोन करना है। तो अब यहां से कुछ इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लेना। सो सिंपली से प्रेस करके आप यहाँ पर वो चीजें बताई जा रही है कि आप कैसे इसे लाइक डुप्लीकेट करेंगे, एंड अंडर डेस्कटॉप मोड क्लिक बटन टू कॉपी द, ऐसी चीजें आपको दिख रही है, आप इसको पढ़ लेना। नोट्स कुछ है एंड मेथड है स्टार्ट का, तो सारी चीजें यहाँ पर है, इसे पढ़ लेना। अगर यहाँ से समझ में आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। सिंपली कट बटन प्रेस कर देना। आप आना है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे गाइस। अब यहाँ से जैसे हम व्हाट्सएप को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो व्हाट्सएप हमारे व्हाट्सएप में देख सकते हो अभी सिंगल आ रहा है, सब में कहीं भी प्लस का सिंबल नहीं दिख रहा है। बट अगर जब आप प्रेस करेंगे तो आपको एक प्लस का सिंबल मिलेगा। चलो हम दिखाते हैं कैसे मिलेगा। फिलहाल हम जो है यहाँ से हमारा एक व्हाट्सएप जो हमने हाइड करके रखा है, तो हम सबसे पहले उसे अनहाइड करते हैं और इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो जैसे हम इसको अनइंस्टॉल करते हैं गाइस, अब यहाँ से हमें प्लस का सिंबल मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर प्लस का सिंबल मिल चुका है। जैसे हम इसको दोबारा से प्लस करते हैं, ये डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। और ये जो फीचर मिलता है हमें सिर्फ ओनली हमारे फोन में व्हाट्सएप पे मिलता है। बट अगर आप इस तरह से ट्राई करना, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम या फेसबुक टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन से मिलता है तो आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। एंड गाइस एक चीज और बता दूं, ये यूट्यूब वगैरह के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डुप्लीकेट नहीं कर पाता। तो आप जो है इन सभी डिवाइसों में लाइक करते, तो ये थर्ड पार्टी की कुछ एप्लीकेशन होती है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन, यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर सकते हो। सो उम्मीद है गाइस आप कर पाएंगे डुप्लीकेट इस तरह से। एंड अगर व्हाट्सएप ही अगर डुप्लीकेट आपका होता है, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन और नहीं होता, तो उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर सकते हो। एंड कोशिश करते हैं किसी और एप्लीकेशन से डाउनलोड करके वहां पर सारे एप्लीकेशन को डुप्लीकेट किया जाए। सो बस गाइस, फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।